बेंच फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आफ्ताब विश्वास आपका दोस्त मेंटेन चेयरमैन स्टार एसोसिएट आईएनसी। फ्रेंड्स, आज मैंने आपका साथ एक नया वीडियो के साथ बात करूंगा। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू कम सक्सेस। सक्सेस किसको बोलता है, तो सक्सेस किसको बोलता है, इस वीडियो क्यों मैं चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, हम हर आदमी, हर व्यक्ति, हर बंदा जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और सफल होने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कम लोग सक्सेस होता है और ज्यादा परसेंटेज का लोग असफल होता है कि अनसक्सेस होता है। दोस्तों, इसीलिए मेरा आज का इस वीडियो कि आपने इस वीडियो देखकर सक्सेस बनिए, तो इसीलिए आज का मेरा इस वीडियो। दोस्तों, तो आइए, मैंने इस वीडियो चर्चा करने के पहले आपसे निवेदन करता हूँ। दोस्तों, आपने आज मेरा वीडियो में पहले है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास चला जाएगा। दोस्तों, आइए हम चर्चा करता हूँ हाउ टू कम सक्सेस। सक्सेस बहु प्रकार की होती है। हम एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई बंदा है, उनका जिंदगी में सक्सेस के लिए काम करता है लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं बनता है। सक्सेस के बारे में मैंने दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक है नॉर्मल सक्सेस। दोस्तों, नॉर्मल सक्सेस दो है, एक्चुअल सक्सेस। आइए, नॉर्मल सक्सेस, हम ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सक्सेस सामने लेकर काम करते हैं। कैसे कि, जैसे कि हमने काम करते हैं खाना पीना करने के लिए, जिंदगी में जीने के लिए। हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होता है। जैसा कोई बंदा काम करता है कि आज का दिन में मेरा 300 से 500 रुपया इनकम करना चाहिए, तो उन्हें जब 300 रुपया चाहे 500 रुपया कमा लिया तो उन्हें सोचता है कि हम सक्सेस हो गया है। ऐसा कोई बंदा है, उनका जिंदगी में 10,000 से 15,000 रुपया का कोई काम मिल जाता है, कोई नौकरी मिल जाता है, तो उन्हें सोच रहा है कि उनका जिंदगी सक्सेस हो गया, यानी सफल हो गया। दोस्तों, ऐसा कोई बंदा है कि उन्हें एक दुकान खोल लिया है कि चाहे कोई छोटा मोटा एक बिजनेस ले लिया है, उनका जिंदगी में एक छोटा बिजनेस मिल गया है, तो उनका उन्हें सोच रहा है कि उनका जिंदगी सक्सेस हो गया। दोस्तों, ऐसा जो काम करता है, तो इस सबको नॉर्मल सक्सेस बोलता है। दोस्तों, और एक है एक्चुअल सक्सेस। दोस्तों, एक्चुअल सक्सेस किसको बोलता है? दोस्तों, जैसा अनलिमिटेड इनकम। दोस्तों, एक्चुअल सक्सेस के लिए अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो है गुड हेल्थ। दोस्तों, एक्चुअल सक्सेस के लिए गुड हेल्थ होना चाहिए। दोस्तों, कोई व्यक्ति के पास पैसा है, ज्यादा उन्हें पैसा है, उनका पैसा है, लेकिन उनका गुड हेल्थ नहीं है। जैसा कि उनका ब्लड शुगर हो गया है, पैसा है लेकिन उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो उनका सक्सेस नहीं बोला जाता है। दोस्तों, नंबर तीन, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड हैप्पीनेस होना चाहिए जिंदगी में। ये तीनों चीज होना चाहिए। दोस्तों, कोई व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पैसा है लेकिन फिर उनका गुड हेल्थ भी है, लेकिन उनका इस पैसा को उन्हें खर्चा करने का उनका मौका नहीं है, टाइम नहीं है। दोस्तों, इसको भी सक्सेस नहीं बोला जाता है। दोस्तों, आइए, सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों, सक्सेस के लिए पहले हमको यही करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा, एक टारगेट सेटअप करना चाहिए। दोस्तों, कि मैं एक्चुअल सक्सेस चाहते हैं कि नॉर्मल सक्सेस चाहते हैं, मैं कैसा जिंदगी चाहते हैं, नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं कि एक्चुअल सक्सेस जिंदगी चाहते हैं। तो इसीलिए एक टारगेट सेटअप करना चाहिए, एक गोल सेटअप करना चाहिए। आप सक्सेस कैसे हो सकता है? दोस्तों, एक्चुअल सक्सेस के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। नंबर वन क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज होना चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए। आपने नॉर्मल सक्सेस के लिए काम करता है, आप नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, तो आपको चेंज करना चाहिए कि हम जिंदगी में बड़ा होना चाहते हैं। इसीलिए आपको पहले माइंड चेंज करना चाहिए, माइंड सेटअप करना चाहिए कि हम बड़ा होना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम लोग अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं। इसीलिए आपको माइंड सेटअप करना बहुत ही जरूरी है। नंबर दो, बी ए ब्रांड एम्बेसडर। हाँ दोस्तों, बी ए ब्रांड एम्बेसडर क्या करना पड़ेगा कि आपको, आप लोग जिस काम करते हैं उस काम के बारे में आपको खुद ही
एम्बेसडर बनना पड़ेगा, आप खुद ही प्रचारक हो जाएगा, आप खुद ही आपका जो प्रोडक्ट है चाहे आपको कोई सामान लेकर काम करते हैं उसको आपको ब्रांड एम्बेसडर खुद को होना चाहिए दोस्तों। आइए नंबर तीन, बी ए मैनेजर। हाँ दोस्तों, आपने जिस काम करते हैं सक्सेस के लिए उस काम के बारे में आपको एक मैनेजर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने जो काम करते हैं काम करने का टाइम आप काम करते हुए समय में आप क्या होता है कोई दिक्कत आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाता है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक मैनेज करने के लिए आपको एक जबरदस्त मैनेजर होना चाहिए दोस्तों। आइए नंबर फोर, हार्ड वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए हमारा इंडिया में, भारत में जितना लोग है इसे 60% से 70% लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। आज हार्ड वर्क नहीं करते हैं इसीलिए आज भी भारत में 70% लोग गरीब है। तो इस सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको शुरू करना पड़ेगा और हार्ड वर्क आपको करके ही सक्सेस होना पड़ेगा दोस्तों। आइए मैंने आपसे चर्चा की है आपने आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आइए मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको सामने चर्चा करता हूँ कि आप क्या टारगेट ले सकते हैं, आप कैसे हार्ड वर्क कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। आपने कोई भी कंपनी कोई भी मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आपने आईएमसी करता है तो मैंने इस एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों। आपने आईएमसी करता है, अभी नया नया जुड़े है 10% 15% 20-30% चाहे सिल्वर रेस्टर, गोल्ड रेस्टर, रूबी, डायमंड रेस्टर है, तो आपने आज एक गोल सेटअप कर लीजिए कि आप मैंने चेयरमैन बनूंगा दोस्तों। अब टारगेट चेयरमैन ये डिसीजन ले लीजिए, लक्ष्य स्थिर कर लीजिए दोस्तों। आपने टारगेट चेयरमैन लक्ष्य ले लिया है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने खुद आईएमसी में सुपर स्टार बन जाए, यानी आपने खुद 30% बन जाए। पहले आपको 3 महीना 6 महीना लग सकता है चाहे 1 साल लग सकते हैं, आप इसी 1 साल में आपने खुद सुपरस्टार बनिए और 30% बन जाइए और आपको सुपरस्टार रैंक को आपने क्वालिफाई करते रहिए। जब आपको रैंक को क्वालिफाई करते रहेगा तो आपको 8 से 10 हजार रुपया हर महीना इनकम आना शुरू हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने आपको रैंक सुपरस्टार रैंक आपने क्वालिफाई शुरू कर दिया, साथ ही साथ और एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपका नीचे चाहे 5 चाहे 6 चाहे 8 लाइन आपको जुड़ना पड़ेगा, उसी लाइन से आपको एक एक करके 5 लाइन से 5 सुपरस्टार निकालना पड़ेगा और उसी 5 सुपरस्टार को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ दोस्त, जब आपने 5 सुपरस्टार को क्वालिफाई कर लिया है तो आप बन गए चेयरमैन, और अब जब मेंटेन चेयरमैन बन गया तो आपको महीना में 70,000 से 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सक्सेस होने के लिए मैंने जो चर्चा की है आप इसी के बारे में जरूर सोचेगा, तो मैं आशा करूँ आप सक्सेस बनेगा, और आप सक्सेस होगा तो मेरा वीडियो भी आज आपके लिए सक्सेस होगा दोस्तों। आइए मेरा वीडियो को आप देखते रहिए, साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल का और सभी वीडियो, और आप सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। Good night.